फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स आपने सुना होगा क्रॉस ड्रेनेज के बारे में, तो क्रॉस ड्रेनेज बारे में किस तरह से होता है मैं प्रैक्टिकल वीडियो आपको बताऊंगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं जो नीचे वाला जो आपकी ये नहर है, ठीक है, ये आपकी जो नहर होती है जो ओपन चैनल फ्लो है, तो ये जिसकी विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। आपको पता है कि जो ड्रेनेज होती है, दो ड्रेनेज को आप एक दिशा में मोड़ने के लिए, तो आपको दिशा बनाने के लिए अपनी दिशा में कोई रुकावट ना डालने के लिए उसको क्रॉस ड्रेनेज बनाया जाता है। अगर आपकी ये जो ड्रेनेज है पीछे से आ रही है, इसको कोई दिशा नहीं देनी, अपनी ही दिशा में जाना है, इसको अपनी ही लाइन में जाना है, अपनी दिशा में जाना है, तो ये अपनी दिशा में जाने के लिए इसको और एक नीचे आपकी ये ड्रेनेज है इसको भी अपनी दिशा में ही जाना है, तो अपनी दिशा को इनको टर्निंग ना लेके इसको क्रॉस ड्रेनेज बना दिया जाता है। जैसे नीचे फ्लोइंग हो रही है तो आपको ये फ्लो आपको नीचे होता रहेगा। जैसे आप सामने देख रहे हैं ये आपकी एक नहर है जिसका फ्लो ज़्यादा हो रहा है, और इसमें एक ये आपके या सेक्शन बना दिया जाता है, या आपका जैसे गेट वाल है या गेट वाल इसमें बना दिया जाता है ताकि पानी का जो फ्लो है वो अपनी दिशा में बनाते रहे। इसमें क्या है कि जो फ्लो है आपका, ये दो नहर है, फर्स्ट नहर होती है कि एक सेकंड फ्लो नहर में होती है, तो इसका क्या कंडीशन है, इसका जो फ्लो है वो ज़्यादा है, इसका फ्लो ज़्यादा है, इसकी वजह से आपको इसमें गेट वाल बना दिया जाता है नीचे। और जो दूसरी नहर है सेकंड नहर, तो सेकंड नहर में आपको जो फ्लो है वो सेकंड नहर में छोड़ दिया जाता है, बिकॉज जो इसका फ्लो है वो ज़्यादा है, इसका फ्लो ज़्यादा है। अगर इसका फ्लो इसमें पानी नीचे ना छोड़े तो इसमें वाटर फ्लो ज़्यादा होगा, इस वाली नहर में ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, तो इसका डिस्चार्ज कुछ कंडीशन में हमारा जो ओवरफ्लो है आपका इसमें नीचे बहता रहता है, ओवर सेकंड नहर में निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पज़ ये है कि जो नहर होती है हमारी क्रॉस ड्रेनेज जो ड्रेन होती है वो अपनी दिशा में चलती रहे, वो अपनी दिशा ना बदले। अगर इस नहर का पानी हम इसमें तो नहीं मोड़ सकते ना, तो ये ज़्यादा हो जाएगी, तो इस नहर का पानी सीधा अपना नहर में आगे अपनी ही लाइन में चलता रहेगा। तो क्रॉस ड्रेनेज का पर्पज़ यही है कि जो अपनी ड्रेन है वो अपनी ही दिशा में जाए, और नीचे क्रॉस ड्रेन बना जाता है, नीचे ये आपके कॉलम बना दिए जाते हैं, कॉलम और पिलर बना दिए जाते हैं ताकि ये बीच में जो स्पान है इसका सपोर्टेड रहे, लोड रहे। तो ये आपका ये टोटल RCC में है, बिकॉज अगर आप RCC नहीं बनाते बिल्कुल बनाते हैं तो उसका फ्लो डिज़ाइनिंग करते हैं, वाटर रेजिस्टेंस डिज़ाइन किया जाता है लोड के लिए, तो ये आपका टोटल RCC है। तो ये आपकी वो आपकी जो ड्रेनेज है पहले स्टार्टिंग जो हो रही है सिंगल से हो रही है, जो आपकी यहाँ पे हो गई है टू पोर्शन में हो चुकी है, ठीक है। इसकी डेप्थ और फ्लो डिपेंड करता है आपके डिस्चार्ज पे, जितना आपका डिस्चार्ज होगा उसके बेस पे आपका ये आपका फ्लो बना दिया जाता है, फ्लो डिस्चार्ज के बेस पे ओपन चैनल फ्लो का डिज़ाइनिंग किया जाता है, ठीक है। तो आपका जैसे देख रहे हैं ये हैवी फ्लो है, तो हैवी फ्लो आपका सेकेंड ड्रेनेज में आपका निकल गया नीचे वाली में, जिसका विड्थ ज़्यादा है, देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई है, इसकी ड्रेनेज की ज़्यादा चौड़ाई है, ये फ्लो आपका ज़्यादा है। इसको कहाँ पे काम लेना है, ड्रेनेज के लिए, इरिगेशन के लिए, आपके डिफरेंट पर्पज़ के लिए, लाइट पर्पज़ के लिए, जैसे लाइट होता है पंपिंग के लिए, डिफरेंट कंडीशन में काम करता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड नहर है, ये आपकी पीछे से नहर आ रही है, ये आपकी गेट वाल आ रही है इधर से, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्रॉस ड्रेनेज हो गया और एंड आपका ये सेकंड पोर्शन हो चुका है। तो ये सेकंड पोर्शन जो है पीछे से आप देख रहे हैं, पीछे से आपकी जो पीछे नहर आ रही है, तो इसका जो डायरेक्शन है इस तरह मोड़ दी है, इसके तरह मोड़ने की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसमें जो सामने वाली ड्रेनेज आ रही थी उधर से, तो वो अपनी डायरेक्शन में जाएगी और इसका जो फ्लो है इसके नीचे से डाल दिया जाएगा ताकि वो सेकंड ड्रेनेज में निकल जाए। तो सेकंड ड्रेनेज एंड फर्स्ट ड्रेनेज, इसलिए उसको क्रॉस ड्रेनेज बना जाता है। ये आपकी गेट वाल हो चुकी है कि आपका जो इसमें ज़्यादा फ्लो होता है तो उसके फ्लो गेट वाल से आपको नीचे डायरेक्शन कर दी जाए, नीचे थोड़ा डेप्थ कर दिया जाएगा, सेकंड ड्रेनेज में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पिलर बना जाते हैं, ये आपका गेट वाल हो चुकी है यहाँ पे, ये सभी हाइड्रोलिक से होगा, इलेक्ट्रिक की सहायता से आपको ये उठा दिया जाता है कि अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है तो इस तरह से आपको निकल जाएगा, ठीक है। आपके ये सभी RCC गेट वाल है इधर से, ये आपका फ्लो हो रहा है और इसका जो फ्लो हो, इसका फ्लो नहर का आप देख रहे हैं, इसकी जो विड्थ एंड चौड़ाई होती है वो डिपेंड करता है इसके फ्लो पे, तो ये आगे RCC बना दिया जाता है। तो वो सामने ये थोड़ा ये आपका छोटा कलवर्ट हो गया आपका ये, तो वो भी इस तरह से आपका सेकंड कलवर्ट बना दिया जाता है, वो नहर आगे से, तो उधर से भी आपकी सेकंड नहर जा रही है, तो वहाँ पे भी एक क्रॉस ड्रेनेज बना दिया गया है आगे भी, ठीक है। तो कुछ ये पर्पज़ थे, जो क्रॉस ड्रेनेज होता क्या है, लोकेशन चेंज करने के लिए अपना एंड वाटर फ्लो डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह से क्रॉस ड्रेनेज बनाई जाती है।
तो कुछ बेसिक स्टम्प थे जो क्रोन ड्रेनेज के बारे में थे जो मैंने आपसे शेयर किए। तो ठीक है, तो इस तरह से आपके ये पिलर रहेंगे, आपका ये गेट वॉल रहती है, और इधर से भी आपकी ये इलेक्ट्रिकल यहाँ पे पाइप लगे रहते हैं पीछे ऊपर से। तो जैसे ही अगर इसका फ्लो ज़्यादा होता है तो गेट को थोड़ा डाउन कर दिया जाता है ताकि फ्लो ये गेट आप गेट जो वॉल है ये फ्लो का डिस्चार्ज रोक सके, और जो लिमिट है आपकी फ्लो की वो आगे जो लिमिट है वो आगे से वो कम हो जाए फ्लो की लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो हैमर आपने सुना होगा, वाटर हैमर, तो वाटर हैमर आपका इधर से होता है और पाइप के अंदर जैसे पानी निकलता है तो वाटर हैमर कहला जाता है। तो कुछ बेसिक सिस्टम थे जो मैंने आपसे शेयर किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।